सारा ने दोपहर के भोजन के लिए सैंडविच खरीदे थे और उसे अपने नाम टैग के साथ ऑफिस फ्रिज में रखा था दोपहर के खाने के लिए आई तो उसका खाना वहां से गायब था उसके सैंडविच को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पन्नी कागज़ फर्श पर पड़ा था किसी ने उसके सैंडविच को खा लिया तीन में से उसका सैंडविच खाया किस में रयान मैं सुबह से कॉफ़ी पीने वाली बैठकों में हूं मैंने आपके सैंडविच देखे लेकिन उन्हें नहीं खाया कियारा मेरे पास दोपहर के भोजन के लिए डोमिनोज पिज्जा था मैंने आज फ्रिज भी नहीं खोला मेहुल इससे भी पूछता है कि मैं एक प्रस्तुति के लिए तैयार कर रहा हूँ मैंने नाश्ता भी नहीं किया उनके बात सुनकर का अनुमान लगा सकते हैं कि सारा का सैंडविच किसने खाया अगर सारा के सैंडविच को पन्नी कागज में लपेटा जाता तो रयान को कैसे पता चला कि उसने दोपहर के भोजन के लिए सैंडविच खरीदे हैं उसने उन्हें खाया अपने चाचा के साथ रूम में रहता था बेन की बुरी आदतों से थक गया और उसे अपना अपार्टमेंट खाली करने के लिए कहा उन्होंने न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया दोनों मिलकर दोनों बेन ने हापा को अपने होटल के कमरे में आमंत्रित किया और उसे समझाने की कोशिश की अगले दिन डिटेक्टिव मेहुल को हापा का एक फोन आया जिसमें कहा गया कि उनके चाचा ने आत्महत्या कर ली है जब मेहुल होटल के कमरे में पहुंचा तो हापन ने उसे कल अपनी यात्रा के बारे में बताया चाचा बेन ने मुझे बताया कि वह अब जीना नहीं चाहता है और वह आत्महत्या करने से पहले मुझसे मिलने आया था मेहुल ने बेन के दस्तावेजों की जांच की और एक टिकट और पासपोर्ट पाया मेहुल ने हापा को सूचित किया कि उन्हें नहीं लगता कि यह एक आत्महत्या है आप क्या सोचते हैं क्या यह हत्या या आत्महत्या थी टाइम है सोचने के लिए पांच सेकेंड अगर बेन को आत्महत्या करने के लिए न्यूयॉर्क आना होता तो वह रिटर्न फ्लाइट टिकट बुक नहीं करता यह एक हत्या थी